हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है, बिकॉज़ आज मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। बट आज हम इसके अंदर करने वाले हैं कुछ ऑसम एंड कुछ बढ़िया। आपको देख के मजा आने वाला है काफी इस वीडियो को, बिकॉज लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग तो देखो कर लेना, और वीडियो को देख के काफी मजा आने वाला है। मेरे पास ये कुछ सामान है इन सब चीजों में से, जैसे की ये वूल हो गया, ये स्पॉन्ज हो गया, एंड ये हेबल हो गया, एंड उसके बाद ये हनी ब्लॉक हो गया, उसके बाद ये कोवेब हो गया। गाइस तो हम देखते हैं कौन सा हमको ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगा, मतलब जैसे की हम किस पे सर्वाइव कर जाएंगे एंड हमारे हार्ट किस पे ज्यादा जाएंगे। तो आओ चेकआउट करते हैं इस चीज को, एंड काफी मजा आने वाला है वीडियो के अंदर। लाइक सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम पहले क्या चेकआउट करने वाले हैं, तो किसके ऊपर चेकआउट करने वाले हैं, देखो पहले हम करेंगे बेड के ऊपर, एंड देन ये लाइन से सीक्वेंस वाइज चलता रहेगा। एंड बाकी गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो तो कर लो यार, ये चैनल बहुत बढ़िया है। कूदने वाला हूँ, चलिए देखते हैं कि कौन ज्यादा डैमेज देता है हमको। ओके नाउ ओ बूम। So guys, literally, इतनी हार्ट से मेरा तीन हार्ट गया है भाई, तीन हार्ट। ओके नॉट बैड नॉट बैड, बट अभी मेरे को ऊपर जाना होगा। नाउ अब बारी आती है हमारे ये हनी वाले ब्लॉक की, एंड यस आपको क्या लगता है पहले ये बताओ, क्या मेरे को इधर से ज्यादा डैमेज पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो लाइक कर देना, ठीक है, एंड नहीं पड़ता है ज्यादा डैमेज तो भी लाइक कर देना यार, करना क्या जाता है। बाकी चलो अभी हम एक छोटा सा जंप लेंगे। So guys, सेम डैमेज पड़ा मेरे को बैड और हनी, ओके हनी ब्लॉक से। तो नाउ हेबल, या हेबल से काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, ठीक है। सो नाउ अभी हम ट्राई करेंगे बूम। So, इससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है लिटरली, इससे देख सकते हो। सो गाइस आप लोगों को यही फाइंड करना है कि किससे ज्यादा डैमेज पड़ा। टाइम टू फोर्थ, मेरे हार्ट्स कितने हैं? मेरे हार्ट्स इतने हैं ना। नाउ अब देखो गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, सीधा यहाँ से जंप करने वाला हूँ नीचे की ओर, एंड यस देखो मेरे को बिल्कुल डैमेज नहीं होने वाला है। सो चलो फटाफट से जाते हैं, एंड यस गाइस देख सकते हो मेरे को यहाँ से बिल्कुल भी डैमेज नहीं मिला। मत खूब बहुत ही ऑसम चीज है, आपको ये बचा सकता है। नाउ सो वुल भी ऑलवेज सॉफ्ट ही होता है यार, या। तो अभी हम काम करेंगे, इसका भी डैमेज चेकआउट कर लेते हैं। एंड यस गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस मेरे हार्ट फिल से फुल हो चुके हैं, एंड यस मैं आ चुका हूँ इस ब्लॉक के ऊपर। एंड नाउ अभी हम देखते हैं कि कितने ब्लॉक का डैमेज हमको लिटरली पड़ने वाला है। सो गाइस मैं काफी एक्साइटेड, चलो फटाफट से नीचे चलते हैं। ओ भैंस की आंख, ऑलमोस्ट खत्म था भाई, ऑलमोस्ट खत्म भाई, ये बस नाम का भूले भाई, इससे कुछ भी नहीं हो सकता भाई। नाउ अभी बारी आती है हमारी स्पॉन्ज की, मतलब देखो वुल एमएलजी वगैरह के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, बिकॉज वुल से आपने देख लिया कितना डैमेज पड़ता है, सारे ब्लॉक्स के मुकाबले काफी ज्यादा डैमेज पड़ रहा था, ठीक है वुल से। टाइम टू जंप। सो ये लास्ट ब्लॉक है, एंड सेम गाइस ये जितनी भी सॉफ्ट चीजें हैं ना ज्यादा डैमेज देती है गाइस। बाकी गाइस आज की वीडियो को करते हैं खत्म, एंड यस गाइस वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, एंड यस मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।